यार उसका विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोधी पार्टी उसका विरोध कर रही है, उसके बाद भी बीजेपी वहाँ निर्माण का करा रही है, इसमें क्या है? अच्छा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो आज भी जो धरातल पर समस्याएं हैं लोगों की, मैं समझती हूँ सरकार को उसका उसकी और काम करना चाहिए। जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, जहाँ पहले सरकारी नौकरियां थी उसके बाद संविदा पे नौकरी देते थे और अब ठेके पे नौकरी दे रहे हैं, जहाँ हमारे युवाओं के भविष्य की कोई भी भविष्य का भविष्य नहीं है, अभी भी लोग नहीं जान पा रहे हैं, सरकार यह नहीं जान पा रही है कि लोगों की समस्याएं क्या है, कहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, कहाँ शिक्षा की समस्या है। और बिना शिक्षा के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर सरकार चाहती है कि समाज आगे बढ़े तो गांव-गांव में अच्छी शिक्षा की ओर सरकार को काम करना है। आपका लगातार दौरा हो रहा था और आपने कहा था कि अयोध्या में जाने को लेकर कि हमको अगर न्योता दिया जाएगा तो हम अयोध्या जाएंगे, वहां के शंकराचार्य द्वारा आपको न्योता दिया गया है महंत के द्वारा, उसके बाद हम नहीं जा रहे, इसका क्या? मुझे कोई न्योता नहीं मिला है और जैसे मैंने कहा जब भगवान बुलाते हैं तब जाया जाता है मंदिर, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम सब परिवार अयोध्या जाएंगे। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं राम मंदिर में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? लगातार राजनीति हो रही है 2024 के चुनाव को लेकर। जी का बयान सुना था और उन्होंने कहा है कि मंदिर पूर्ण नहीं है, और पूर्ण मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, इसीलिए शंकराचार्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने उनके बयान सुने। अधिवक्ता लगातार अधिवक्ता ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहिए, उसके बाद भी सरकार कानों में रुई लगा के बैठी हुई है। मैंने पहले भी इस बारे में कहा है कि जितनी भी हमारे विश्व में जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं, वहाँ सभी जगह ईवीएम जहाँ चुनाव होते थे वो वापस बैलेट पेपर में आ गए हैं। जितने भी देश हैं पूरे विश्व के सब बैलेट पेपर से ही चुनाव कर रहे हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है तो मैं समझती हूँ कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। मैडम बैटिंग कर रही है वही आपको हिंदुत्व के नाम पे धर्म पे कब्जा कर लिया है, क्या कहेंगे? धर्म पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता है, धर्म सबका अपना एक पर्सनल मैटर है और मैं समझती हूँ धर्म का उपयोग राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैडम सरकार ने एक आदेश निकाला है कि 16 साल की उम्र में जो बच्चे हैं ना वो कोचिंग नहीं पढ़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल में सरकार को आंकड़े देखने चाहिए, जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं 2020 के, की लगातार कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लगातार ऐसी जो विक्टिम्स हैं उनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं पूरे प्रदेश में। और अगर आप गांव-गांव जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कब्जे हो रहे हैं जमीनों में। तो मैं समझती हूँ सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।